हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो ओवर हेड्स में भी तुम लोग ये वाला टॉपिक देख रहे हैं, मशीन। ओके, तो मशीन ओवर हेड कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो एकदम अच्छे से प्यार मोहब्बत में वाला तुम्हारा लेक्चर लेता हूँ ताकि तुमको हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, ठीक है, घुमा फिरा के दिया रहेगा। तो मशीन ओवर हेड में ये देखने का कि कंपनी जो चल रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कंपनी में मशीन चल रही है उसका एक घंटे का खर्चा कितना होता है। ठीक है, मशीनी का एक घंटे का ओवर कॉस्ट कितना होता है, अपन वाला क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एकदम अच्छे से अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तुम्हारा हो जाएगा। और स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलो ध्यान देते अभी। अभी सबसे पहले देखने का है कि स्टैंडिंग चार्जेस को बोलते हैं फिक्स चार्जेस। जो कंपनी का फिक्स चार्जेस रहता है वो यहाँ आता है, और जो कंपनी का रनिंग चार्जेस रहता है वो यहाँ आता है। तो रनिंग में याद कर लो, डेप्रिसिएशन आता है, पावर आता है, रिपेयर्स आता है, मतलब मशीन चलेगी तो उसका ये सब चार्जेस बनेगा ना। अभी यहाँ हम लोग वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए अपने को फॉर्मूला याद करना पड़ता है ना। तो अभी एक एक चीज़ लेके सॉल्व करा था, तो मैं पहले क्या सोचा, पहले स्टैंडिंग चार्जेस समझाता हूँ। ठीक है, तो परचेस प्राइस इंस्टॉलेशन नहीं लेना है, तो डेप्रिसिएशन निकालने में काम आएगा। अभी इधर बोला रेंट, रेंट भी क्या बोला, 3750 बोला। ठीक है, और इधर एक वर्ड बोला क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है चार, है ना, मंथ बोला तो 12 होता है। और रेंट कितना जगह लिया, मशीन कितनी जगह ले रहा है, 25%, मतलब जो रेंट होता है ना वो एरिया के हिसाब से होता है। और एरिया कितना जगह लिया है, 25%। एरिया कितना जगह लिया है, 25%। तो रेंट तुम्हारा कैसा आइटम है, स्टैंडिंग चार्जेस है, और रेंट का अमाउंट दिया है 3750। तो लिखेंगे 3750 पर क्वार्टर बोला, इसके लिए क्या डालेंगे, 4। क्वार्टर बोला ना बच्चे लोग, तो इधर क्या डालेंगे हम लोग, 4 डालेंगे। क्या डालेंगे, 4। फिर रेंट के लिए हम लोग को क्या लेना है, एरिया लेना है। क्या लेना है, एरिया। तो एरिया का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है, इधर कितना परसेंटेज दिया है, मशीन कितना जगह ले रहा है, 25% ले रहा है। तो इधर लिखेंगे 25%। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे ना, तो आपको अमाउंट मिलेगा, वो साल का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3740 इंटू 4 इंटू 25%, तो अमाउंट आ जाएगा 3740। ये हो गया साल का, अपने को निकालने का घंटे का, तो बाद में निकाल लेंगे, पहले एक एक को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इधर क्या बोला है, जनरल लाइटिंग और फॉर द टोटल एरिया, मतलब लाइटिंग भी एरिया दिया है, 1000 पर मंथ बोला है, 1000 पर मंथ। तो लाइटिंग क्या बोला है, 1000 पर मंथ। तो लाइटिंग नीचे लिखा मैंने, ओके, लाइटिंग स्टैंडिंग में आएगा, पर मंथ इंटू 12 आएगा। ठीक है, और वो भी क्या बोला है, एरिया बोला है। तो लाइटिंग कितना परसेंट एरिया है, 25% है ना, इधर आ जाएगा 25%। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12000 आ जाएगा। फिर 12000 का 25% निकालेंगे तो 3000 आ जाएगा। ये तुम्हारा लाइटिंग का अमाउंट आ गया, किसका अमाउंट आ गया, लाइटिंग का। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। फिर इधर बोला है फोरमैन सैलरी, मतलब जो मुकादम होता है, सुपरवाइजर होता है, तो फोरमैन कितना टाइम दे रहा है मशीन को, 1/6 टाइम दे रहा है। तो ये कंडीशन दिया है इसका, 30000 पर एनम, साल का बोला है। ओके, 30000 साल का बोला है ना। तो अभी क्या करेंगे मालूम है क्या, तो सुपरविजन क्या होता है, टाइम डिवाइडेड बाय सुपरवाइजर, कितना वक्त दे रहा है इधर, 1/6। तो जो सुपरवाइजर का सैलरी दिया है वो 30000 दिया है। ठीक है, 30000 कैसे दिया अपने को, डायरेक्ट साल का दिया है। देखो ना क्या बोला, साल का पर एनम, तो कुछ करना नहीं है, इसको इंटू इंटू नहीं करना है क्योंकि साल का दिया है। और फोरमैन कितना टाइम दे रहा है मशीन को, 1/6 टाइम दे रहा है। 1/6 का मतलब होता है 1/6, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, तो 30000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मशीन को पूरा 30000 फोरमैन को दिया, जिसमें से 1/6 उसने सुपरवाइजर मशीन को देख रहा है 1/6 टाइम। तो इस तरह सुपरवाइजर का अमाउंट कितना स्पेंड हुआ, 5000। फिर इसके बाद बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दी मशीन, कितना दिया इंश्योरेंस, 3000 पर एनम, मतलब डायरेक्ट 3000 बोला है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंश्योरेंस का अमाउंट 3000 बाहर डाल देंगे, डायरेक्ट 3000 क्या कर देंगे, बाहर डाल देंगे। फिर इंश्योरेंस के बाद बोला डिपार्टमेंटल ओवरहेड फॉर दी मशीन, 5000 पर मंथ। तो इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट ओवरहेड, स्टोर में जो मटेरियल, वो सब स्टैंडिंग चार्जेस है। तो डायरेक्ट ये स्टैंडिंग में आएगा, मतलब फिक्स में, 5000 पर एनम। तो डायरेक्ट 5000 किधर डाल देंगे, बाहर डाल देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या बोला है, कंज्यूमेबल स्टोर, मतलब मशीन मटेरियल रखा रहता है ना गोडाउन में, 4000 पर एनम। तो ये भी डायरेक्ट 4000 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, पर अब इसको आपको टोटल लेना पड़ेगा। जब इसका टोटल ले लेंगे ना, तो टोटल अमाउंट आएगा 23750। तो ये क्या हो गया मालूम है, किसका टोटल हो गया, स्टैंडिंग चार्जेस का। अपने को एक घंटे का निकालने का, क्या निकालने का, हमें निकालना है स्टैंडिंग चार्जेस, क्या निकालना है, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। तो एक घंटे का कितना होता है, ये जो अमाउंट है ना इसको डिवाइड करेंगे, तो मशीन लाइफ में कितना घंटा चला इधर दिया है, तो 10 साल में, मतलब मशीन है जो 10 साल चली है और 10 साल का 1 लाख का स्क्रैप दिया है, मशीन 10 साल में पूरा 20000 चला है, मतलब ना पूरे 10 साल में, मतलब मशीन पूरा 20000 घंटा चला है ना लाइफ में। तो मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल, तो एक साल में कितना घंटा चला, 2000। तो अभी इसको आप क्या करेंगे, 2000 से डिवाइड कर देंगे। मशीन साल भर पूरी 10 साल में 20000 चला,
पूरे 10 साल में 20,000 घंटा चला, तो 1 साल में 2,000 घंटा चला, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपको रेट मिला। किसका रेट मिला मालूम है क्या? स्टैंडिंग चार्जेस है ना, पर आवर। क्या मिला? पर आवर। अब अपने को डेप्रिसिएशन पावर रिपेयर सॉल्व करना है, तो फिर डेप्रिसिएशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कितने का मशीन खरीदा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, स्क्रैप माइनस करेंगे, फिर कितना साल मशीन चला उसके हिसाब से। इधर दिया परचेस प्राइस, मशीन की कीमत है 4 लाख, मशीन कितने का खरीदा? 4 लाख का खरीदा, ठीक है, तो मशीन 4 लाख का था। फिर इस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करेंगे ना, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना हुआ? 1 लाख, वो ऐड करेंगे। और सैलवेज बोले तो स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू 10 साल के बाद कितना दिया? 1 लाख दिया, तो स्क्रैप वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और मशीन कितना साल चला मालूम है? पूरा 10 साल चला। कितना साल चला? 10 साल, ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। एकदम सिंपल लॉजिक डाल दो, 4 और 5, 5 में से गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 लाख बचेगा, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 साल का डेप्रेशन हो गया 40,000 पर एनम। ये साल का हो गया, किसका हो गया? साल का, ठीक है। बट 1 साल में अपनी मशीन कितना घंटा चली? 2,000 घंटा चली ना, तो 40,000 को डिवाइड करेंगे 2,000 से, 40,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 2,000 से, तो आपको मिलेगा 1 घंटे का डेप्रेशन का चार्जेस 20 रुपये। इधर कैसे लिखेंगे? तो साल का खर्चा कितना है? 40,000, और मशीन कितना घंटा चला 1 साल में? 2,000, तो फिर डेप्रेशन का कितना रेट आया? 20 रुपये। कितना रेट आया? 20 रुपये। अब इधर पावर बोला है, पावर क्या बोला? 2 यूनिट्स, मतलब लोग 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 1 घंटे में, और 50 पैसा। तो कैसे लिखने का पावर को सॉल्व करने का, पहले शॉर्टकट में बताता। 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, और कितना रुपये का? 50 पैसे का। कितने का? 50 पैसे का। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये आएगा। तो कैसे सॉल्व किया बच्चे लोग? 1 घंटे में है ना, 1 घंटे में 2 यूनिट्स कंज्यूम किया, और एक कितने का है? 50 पैसे का, तो कितना आया? 1 रुपया आया। ये हो गया तुम्हारा पावर का। किसका हो गया? पावर पे अलग अलग घुमा फिराया क्या आएगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मशीन का जो 25% था एरिया में दे दिया था, क्योंकि एरिया बोला था, और डिओटी फोरमैन कितना टाइम दिया? 1/6, वो सुपरवाइजर को देने का रहता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर लेंगे तो ये 21 रुपये आ जाएगा। तो ये स्टैंडिंग चार्जेस है और ये फिक्स चार्जेस है। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा मशीन ओवरहेड। क्या मिलेगा? तो ये दोनों का टोटल है मशीन, मतलब मशीन का खर्चा कितना है? 32.88, मतलब 1 घंटा मशीन चलने का इतना खर्चा आता है। ये तुम्हारा था स्टैंडिंग चार्जेस, ये था तुम्हारा रनिंग चार्जेस। रिपेयर्स नहीं दिया है, दिया रहता तो वो भी यही आता था ना। इस तरह तुमको सम सॉल्व करना पड़ता है। तुम्हारा वर्किंग नोट याद रखने का डेप्रिसिएशन, ठीक है, और याद रखने का रेंट है वो एरिया पे आएगा। एरिया में 25% था इसलिए 25 लिया, इस पर रेंट पे लिया, और इस पर लाइटिंग पे लिया। सुपरविजन कितना टाइम दिया? 1/6, तो इधर फोरमैन पे था, बाकी सब अखा दिया था। टोटल लिया 2,000 घंटा, मशीन 10 पूरे 10 साल में 20,000 घंटा चला, तो 10 साल में 20,000, तो 1 साल में कितना घंटा चला? 2,000 घंटा पर ईयर, ठीक है। और फिर हर अमाउंट को 2,000 से डिवाइड करने का, इधर इंडिविजुअली डिवाइड किया था, टोटली डिवाइड किया, तो ये था तुम्हारा ओवरहेड का सम, ठीक है। और भी सम अपलोड किया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू वेरी मच।